भाग करना सीखें आसान तरीके से। अभी हम अपना 18 में 3 का भाग देंगे। तो दोस्तों ये आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है 18 भाग 3 या 18 बटे 3। देखिए भाग करने के लिए आपको क्या करना है, पहले अपना एक अंक की संख्या को लेना। एक अंक की संख्या को लेने पर कितना आ रहा, एक। एक में आपका 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग देने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो 3 के बराबर संख्या होनी चाहिए या 3 से बड़ी। तो फिर हमने 2 अंकों की संख्या कर लिया, कितना आ गया 18। 18 3 से बड़ा है, यानी 18 में हमारा 3 का भाग जाएगा। देखिए 3 का पहाड़ा लिख देते हैं, 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18। जब हम 3 का पहाड़ा 6 बार बोले हैं तो आपका क्या आ गया, संख्या इस 18 के बराबर आ गया। हमें ध्यान क्या रखना है, 3 का पहाड़ा बोलना है कि आपका 18 से बड़ा नहीं आए, तो क्या आना चाहिए, या तो 18 के बराबर या 18 से कम। तो 18 के बराबर आ गया, तो इस 18 को यहाँ पे लिख दिया। कितनी बार पहाड़ा बोलने पे आया, देखिए आपका 6 बार, तो इसको यहाँ लिखना है। यानी उसके बाद आपका माइनस किया, 0 आ गया। तो यहाँ पे यह जो आपका संख्या मिला है 6, ये आपका भागफल है, और ये आपके पास जो 0 आया है ये आपका यहाँ पर संचफल है। इसको आप क्या कहते हैं, अपना भाजक कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, अपना भाज्य कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने अपना ये भाग किया है। धन्यवाद।